हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस ये है ओप्पो F19 Pro। तो गाइस इसका मैं कुछ हिडन फीचर्स आपको बताने वाला हूँ, या फिर आप ये कह सकते हैं कि स्पेशल फीचर्स जिसका हम यूज़ नहीं कर पाते हैं लेकिन रहता बहुत कुछ है हमारे फ़ोन में, वो सारी चीज़ मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस इस वीडियो में आप एंड तक बने रहे, तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इस वीडियो को पार्ट पार्ट में डिवाइड करके अपलोड करूँगा, जिससे आप एक एक करके मेरी वीडियो को देख सकें। ये चलिए गाइस मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। अगर आपको ऐप सजेशन चाहिए, ऐप सजेशन मतलब कैसा, जैसे यहाँ पे ऐप ड्रॉअर ऑन करते हैं तो यहाँ पे एक ऐप सजेशन आता है, यानी कि आप कौन सा एप्लीकेशन रिसेंटली यूज़ किए या कौन सा एप्लीकेशन आप मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करते हैं वो यहाँ पे दिखाएगा। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो सिंपली आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है इसके अंदर होम स्क्रीन पे, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा शो ऐप सजेशन। तो यहाँ पे जब इसको आप क्लिक कर देंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऐप सजेशन दिखना शुरू हो जाएगा कि आपने रिसेंटली क्या यूज़ किए और आप ज़्यादातर कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं वो यहाँ पे दिखकर आएगा। अगर आप चाहते हैं कि डबल टैप पे स्क्रीन ऑन हो जाए, तो यहाँ पे अभी मैं कर रहा हूँ तो ऑन नहीं हो रहा है, तो इसका भी बहुत ही ईजी है। आपको सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे जाना है आपको होम स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको मिलेगा डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन, तो जब आप उसको ऑन कर देंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको मैंने ऑफ़ किया, डबल टैप करेंगे तो ये ऑन हो गया स्क्रीन, और डबल टैप किया तो ऑफ हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये है एमोलेड डिस्प्ले। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे ही टाइमिंग, बैटरी, नोटिफिकेशन शो हो, यहाँ पे दिखे, आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे जाना है होम स्क्रीन पे। होम स्क्रीन जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इसको ऑन कर देना है। जब यहाँ पे ऑन कर देंगे तो यहाँ पे इस तरीके से आपको शो होगा। यहाँ अब मैं इसको क्या करता हूँ, अभी ऑफ कर देता हूँ। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे सब दिखा रहा है, डेट भी दिखा रहा है, बैटरी भी दिखा रही है और नोटिफिकेशन भी दिखा रहा है। तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा फीचर है ये भी। गाइज ये जो ग्लोबल सर्च होता है, जैसे कि आप स्लाइड डाउन करते हैं तो ये ग्लोबल सर्च आ जाता है, यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं एप्लीकेशन को भी या किसी भी चीज़ को जो आपके अंदर फाइल में है, और जो नहीं है तो वो पूरा सजेस्ट करेगा कि कहाँ पे है। तो अगर आपको ये नहीं चाहिए, आप चाहते हैं कि कहीं से भी आप स्लाइड डाउन करें तो आपका ये जो पैनल है ये खुले, सिंपली कर सकते हैं इसको। आपको जाना है सेटिंग में, सेटिंग में जाने का जाना है आपको होम स्क्रीन पे। इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन का, यहाँ जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सर्च पे टिक किया हुआ है, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे नोटिफिकेशन ड्रॉवर में तो ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, आप जैसे ही आप इसको स्लाइड डाउन करेंगे तो डायरेक्टली ये नोटिफिकेशन ड्रॉवर खुलेगा ना, तो आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए। तो गाइस अगर आप चाहते हैं कि आपने दिन भर में डाटा कितना यूज़ किए और वो सब कुछ यहाँ पे आपको शो हो, कि भी सेटिंग दी गई है, आपको जाना है सेटिंग में। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना है, आपको जाना है नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में। यहाँ पे जाने के बाद आपको ये ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे डिस्प्ले डाटा यूजेस इन नोटिफिकेशन ड्रॉअर, तो आपको इसको ऑन कर देना है। जैसे ही आप इसको ऑन कर देंगे तो जितना भी आप डाटा यूज़ करेंगे दिन भर में वो यहाँ पे आपको शो होगा। और मैं आपको इसमें बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि जो भी जो डाटा आप यूज़ कर रहे हैं उसकी स्पीड कितनी मिल रही है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन नहीं रहेगा, आपको उसको ऑन करना रहेगा। तो आपको जाना है ऑन करने के लिए सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है नोटिफिकेशन में, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, तो इसको आपको ऑन कर देना है। जब इसको ऑन कर देंगे तो यहाँ पे आपको नेटवर्क स्पीड भी दिखाएगा, और बैटरी परसेंटेज बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा नहीं कि कितना ख़त्म हुआ है कितना बाकी है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे आप जब इसको क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको बैटरी परसेंटेज दिखना शुरू हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि गाइस अगर आप चाहते हैं कि आपका फ़ोन अगर लॉक रहता है तो कोई भी नोटिफिकेशन आए तो उसको वो पढ़ ना पाए, या तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है इसके अंदर सेटिंग में। सेटिंग में जाने का आपको जाना है नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में। यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको जाना है मैनेज नोटिफिकेशन में, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन, जिससे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख के आ रहा है डिस्प्ले टाइटल एंड बॉडी। टाइटल दिख जाएगा पहला लाइन, और बॉडी यानी कि कौन से इससे आया है मैसेज वो दिख जाएगा। अगर आपको कोई ये नहीं दिखाना है तो यहाँ पे डू नॉट शो पे क्लिक कर देना। जब डू नॉट शो पे क्लिक कर देंगे तो कोई भी अगर नोटिफिकेशन आएगा तो लॉक स्क्रीन, अगर आपका फ़ोन लॉक रहेगा तो किसी को भी नोटिफिकेशन नहीं दिखेगा, ना ही उसका टाइटल दिखेगा। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा फीचर है ये।